ऑल ऑफ यू, क्या आपको सीखना है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली कैसे निकालते हैं? नंबर कितना ही बड़ा हो, अगर आपने ये ट्रिक यूज कर लिया, आप इजीली बता दोगे कि इस नंबर का जो रूट है वो 104 है। यस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप भी इसी तरह कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल पाओगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट ट्रिक। तो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, आपको यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। यहां पे मैंने कुछ नंबर लिया है जिसका जो एंड वाला नंबर, जैसे कि यूनिट प्लेस वाला नंबर, उसको रेड कलर से हाईलाइट किया है। अब नेक्स्ट चीज क्या आपको पता चलना चाहिए, वो है अगर आपको किसी का रूट पता करना है तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि वो ट्री कहां पे, तभी तो आप उसके रूट तक पहुंचोगे। तो यहां पे मैंने 1 से 10 का स्क्वायर ढूंढना, मीन स्क्वायर रूट ढूंढने के पहले हम लोग पहले स्क्वायर ढूंढेंगे ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या था, 4। इसी तरह 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब ये दोनों चीज को आपस में मिला लेंगे, मतलब सारे जो स्क्वायर मिले हैं ये और उसका यूनिट प्लेस वाला नंबर। तो यहां पे मैंने वापस से यूनिट प्लेस वाले नंबर को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट प्लेस वाला नंबर 149650 के अलावा और कुछ आया, इसका मतलब उसका जो स्क्वायर रूट आने वाला है वो परफेक्ट होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे किसी ने पूछा कि रूट ऑफ 324 क्या है, तो अगर एंड में 4 है यूनिट प्लेस पे, तो उसका आंसर जो है वो या तो 8 होगा यूनिट प्लेस में या तो 2 होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, फिर से यूनिट प्लेस में 4 है लेकिन आंसर इस बार 22 आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है और 8 का 64। इसी तरह अगर 1 होगा यूनिट प्लेस में, तो उसका आंसर जो होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 का 1 है और 9 का 81 है। 4 का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2 और 4 क्यों है। अगर एंड में 9 है तो उसका आंसर या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 का 9 है और 7 का 49 है। अगर एंड में 6 है यूनिट प्लेस का नंबर, तो आंसर जो है या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16 और 6 का स्क्वायर है 36। एंड में अगर 5 है तो उसका एंड प्लेस मतलब यूनिट प्लेस वाला नंबर आखिर 5 होगा, और अगर 0 है तो उसका आंसर में भी एंड में 0 ही होगा। नो, यहां पे मैं बात करूं तो ये सारे जो चीजें हैं ये परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, परफेक्ट स्क्वायर इस तरह आएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई नंबर यूनिट प्लेस में हुआ, जैसे कि 2, 3, 7, 8, अगर ऐसे नंबर यूनिट प्लेस में आए, तो समझ जाना इसका जो है वो आंसर परफेक्ट नहीं आएगा, मीन्स डेसिमल पॉइंट में इसका रूट आएगा। नाउ जैसे जैसे मैं सम को आगे बढ़ाते जाऊंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा, मैं बड़े से बड़ा नंबर लेते जाऊंगा, पहले 3 डिजिट से स्टार्ट करेंगे और फिर डिजिट को बढ़ाते जाएंगे। नाउ पहला डिजिट मैंने लिया है 361। ना यहाँ पे आपको कुछ रूल फॉलो करने हैं, रूल कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपको एंड के 2 डिजिट नंबर को सेपरेट कर लेना है, टेक लास्ट 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है, 61। अब उसका यूनिट प्लेस का नंबर चेक करो क्या है, 1। यहाँ पे 1 है, मैंने सर्कल कर दिया। अब 1 है तो इसका जो आंसर है वो यूनिट प्लेस वाला आंसर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि 1 का 1 है और 9 का 81 है। ना यहां तक तो पता चल गया, या तो यूनिट प्लेस का नंबर 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब आपको बचे हुए नंबर को देखना, बचा हुआ नंबर मेरा 3 है, इसको चेक करना है, इसे देखना है ये कौन से दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यस, कौन से दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 3 जो है 1 और 4 के बीच में आएगा ऑब्वियसली, तो 1 का 1 है, 4 का 2 है, तो हमेशा छोटा नंबर लेना है हमेशा। तो यहां पे 1 और 2 में छोटा नंबर 1 है, तो यहां पे मिल गया मुझे 11 और 19। अब यहां पे एक चीज फिक्स हो गया, इसका आंसर या तो 11 होगा या तो 19 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। नाउ यहां पे आपको क्या करना है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यस, उसके बाद वाले नंबर के साथ, हमेशा यही करना है, जो नंबर मिला है उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 2। अभी आपको बस इतना चेक करना है कि बचा हुआ नंबर, वो मिला जो नंबर है 2, उससे बड़ा है या छोटा है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे 3 बड़ा है 2 से,
तो बड़ा वाला जो नंबर है ना वही आंसर होगा। यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है वो 11 और 19 में 19 है, इसीलिए 19 ही आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आंसर इक्वल आ जाएगा तभी भी आप बड़े नंबर को ही प्रेफरेंस दोगे। जैसे कि ये एग्जांपल 676, आपको ये पूछा है इसका लास्ट दो डिजिट नंबर क्या है, 76। इसका यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, वो है 6। 6 का क्या हो सकता है, क्योंकि 4 का 16 है और 6 का 36 है, तो यूनिट प्लेस वाला नंबर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। नाउ यहां पे आपको बचे हुए नंबर को देखना है, बचा हुआ नंबर भी 6 है, तो 6 कहां पे आएगा, 6 आएगा 4 और 9 के बीच में, जो 2 और 3 का स्क्वायर है। नाउ यहां पे छोटे नंबर को ही लेना है, मैंने आपको बता रहा हूं बार बार, तो यहां पे आपको लेना है 2, मीन्स 24 हो सकता है या 26। 2 के बाद का नंबर क्या होता है, 3। जैसे 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 6। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ा छोटा नहीं आया है, वो एग्जैक्टली 6 आया है। और जब भी ऐसा होगा आपको बड़े नंबर को ही प्रेफरेंस देना है, तो 24 और 26 में बड़ा नंबर है 26, तो आंसर होगा 26। मैं धीरे धीरे डिजिट को बढ़ाते जाऊंगा। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे एक 4 डिजिट वाला नंबर, यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया है 1024, जिसका हमें रूट ढूंढना है। एंड का 2 डिजिट नंबर क्या है, यहाँ पे 24 है। यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो 4 है, तो अगर 4 है तो आंसर में जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा या तो 2 होगा क्योंकि 2 का 4 है, या तो 8 होगा क्योंकि उसका 64 है। तो चलो यूनिट प्लेस का नंबर तो हमें मिल गया, बचा हुआ नंबर यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 को मैं चेक कर लूंगा ये कहाँ पे आएगा। 10 आएगा 9 और 16 के बीच में, जो 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है। ना छोटे नंबर को हमेशा लेना है यहाँ पे, तो मैं ले लिया यहाँ पे 3। तो अब यहाँ पे मुझे मिल गया दो आंसर, 32 एंड 38। इन दोनों में से एक आंसर है, आपको क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आएगा 12, और आप देख सकते हो 12 बड़ा है, इस बार 10 हार गया है, 12 बड़ा नंबर आया है, तो छोटे नंबर मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे छोटा नंबर है 32, यहाँ पे आपको आंसर आ चुका है। नाउ एक और नंबर देखेंगे, यहाँ पे डिजिट को और बढ़ाएंगे, मैं 4 डिजिट के बाद यहाँ पे ले लूंगा 5 डिजिट वाला नंबर, यहाँ पे मैंने लिया है 11449, और इसका मुझे रूट ढूंढना है। मैं चेक कर लूंगा लास्ट का 2 डिजिट नंबर, दैट इज 49 है, इसका यूनिट प्लेस वाला नंबर 9 है, तो अगर 9 है तो ऑब्वियसली 3 होगा या तो 7 होगा क्योंकि 3 का 9 है और 7 का 49 है। यूनिट प्लेस वाला नंबर तो मुझे मिल चुका है, अब मुझे चेक करना है बचा हुआ नंबर। बचा हुआ नंबर यहाँ पे 114 है, जो ये लिस्ट में नहीं है, मैं लिस्ट को थोड़ा बड़ा कर दूंगा। यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि 114 जो है 100 एंड 121 के बीच में मिलेगा, दैट इज 10 का और 11 का स्क्वायर है। ना यहाँ पे मुझे छोटे नंबर को प्रेफरेंस देना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 103 या 107, इन दोनों में से मेरा एक आंसर है। 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक बड़े नंबर के साथ, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई 11, और यहाँ पे बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा 110। तो 110 जो है 114 से छोटा है, तो हम बड़े नंबर को प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पे आंसर मिल गया 107। और इस तरह आप कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नंबर लिया जिसका जो एंड 2 डिजिट नंबर है उसमें यूनिट प्लेस वाला नंबर जो है 5 है। अगर ऐसा हुआ तो आपको लास्ट के 2 रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, देखते कैसे। तो 5 है तो ऑब्वियसली यूनिट प्लेस वाला नंबर जो आंसर में आएगा वो 5 होगा और कुछ नहीं हो सकता। ना नंबर जो बच गया है वो है 156, लिस्ट को बढ़ा दूंगा क्योंकि वो आएगा 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में, छोटा नंबर है 12, तो यहाँ पे अगर आप 12 लगा लो तो आंसर यहाँ पे भी 125 होगा और में भी 125 होगा। तो फाइनली आपको आंसर आ चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ अगर आपको सीखना है क्यूब रूट इसी तरह से तो मुझे कमेंट करके बताओ।